अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। हमारी सखा सीरीज के पहले एपिसोड में मैं आपको सबको वेलकम खुशामदीद कहता हूँ। तो इस सीरीज़ में हम हिस्टोरिकल पॉइंट्स, रिलीजियस पॉइंट्स और एक्सप्लोर करेंगे फूड को। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये है कालका माता देवी मंदिर। ये हमारी फर्स्ट पॉइंट है। ये कोई आम मंदिर नहीं है, इस मंदिर की एक ख़ास बात है। तो आइए, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस मंदिर की क्या ख़ास बात है। सो लेट्स गो। ये एक्चुअली मंदिर की एंट्रेंस है। तो चलिए चलते हैं अंदर इस मंदिर के। ये है अंदर जाने का रास्ता। मैंने आपको कहा था ना कि इस मंदिर की एक ख़ास बात है। इस मंदिर की यही ख़ास बात है कि यह मंदिर एक गुफा में बना हुआ है। ये नेचुरल एक गुफा है, ये आप देख सकते हैं। और बहुत ही पुराना मंदिर है, हिंदुओं के लिए ये बहुत ही पाक ख़ास है। यहाँ पे इंडिया से बहुत सारे यात्री भी आते हैं। यहाँ पे लोग पैदल भी आते हैं और अपने दिल में मुरादें लेकर आते हैं, और माता रानी कभी भी उनको खाली चोली नहीं भेजती। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो कहा जाता है कि कालका माता जब हिंगलाज माता जा रही थी, तो दौरान हिंगलाज माता उन्होंने यहाँ पे कुछ टाइम गुजारा और यहाँ पर वो रुकी थी। और यहाँ पर दो सुरंगें भी हैं जो डायरेक्ट यहाँ से हिंगलाज माता जाती हैं। अगर जिनको नहीं पता हिंगलाज माता कहाँ है, तो मैं बता दूं कि वो हिंगलाज माता यहाँ से बलूचिस्तान में है। तो ये हैं कालका माता देवी की मूर्त। तो एक गुफा तो ये है, और इसको फ़िलहाल बंद किया गया है क्योंकि लोग इसके अंदर ना चले जाएं। अभी आगे जो है वो माता की समाधि है। ये है माता साहब की समाधि। बहुत ही सिंपल है, कोई इतना कुछ चमक दमक नहीं है इधर। यह है लंगर खाना, जहाँ पे खाना तैयार किया जाता है। सामने ये रूम है जहाँ पे बर्तन वगैरह, सामान वगैरह रखा जाता है। इसके सामने जो आप ये हाल देख रहे हैं, यहाँ पे बैठ के खाया जाता है खाना। ये हाल है, और हाल के पास ही में ये सीढ़ियां जा रही हैं ऊपर पहाड़ों पे। कालका देवी का मंदिर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह।